नमस्कार दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रोड स्टूडियोज के बॉलीवुड न्यूज गलियारे में। आज के एक्टर सिर्फ बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं, एक्टिंग पर नहीं। शाहरुख खान और कंगना शेयर करेंगे अपनी जुनून की कहानी। सुपर नेशनल सिंगर पिटबुल संग सिंगल क्रिएट करेंगे गुरु रंधावा। रणवीर ने शुरू की सिम्बा की डबिंग। मेंटल हुड से डिजिटल डेब्यू करेगी करिश्मा। सनी देओल जल्दी अपने बेटे करण देओल को होम प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले हैं। इस फिल्म में करण के अपोजिट न्यू कमर सहर बांबा होंगी। सनी चाहते हैं जिस तरह से उन्होंने रोमांटिक फिल्म बेताब से डेब्यू किया था, वैसे ही करण डेब्यू करें। वो कहते हैं आज कई स्टार्स सिर्फ बॉडी बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, वो एक्टिंग पर फोकस नहीं करते। मेरे हिसाब से एक्टिंग सबसे जरूरी एलिमेंट है। शाहरुख खान और कंगना रनौत जल्दी सिग्नेचर मास्टर क्लास में अपने जुनून की कहानी शेयर करते हुए नजर आएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 15 दिसंबर से 6 शहरों में किया जाएगा। शाहरुख लखनऊ में तो कंगना गुरुग्राम में, कोलकाता, गुवाहाटी और पुणे में होने वाले इवेंट में शामिल होंगे। वहीं साउथ के सुपरस्टार विजय भी हैदराबाद में दर्शकों को अपनी कहानी सुनाएंगे। शाहरुख कहते हैं मैं दिल्ली से मुंबई अभिनय के जुनून के साथ आया था। सिग्नेचर मास्टर क्लास के प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी शेयर करने को लेकर एक्साइटेड हूँ। साइरस साहूकार इस इवेंट को होस्ट करेंगे। बन जा तू मेरी रानी और पटोला जैसे कई हिट गाने दे चुके सिंगर गुरु रंधावा इंटरनेशनल सिंगर पिटबुल के साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं। वो टी सीरीज की अपकमिंग सिंगल स्लोली स्लोली में दिखाई देंगे। गुरु ने अपने इंस्टा अकाउंट पर पिटबुल के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा मेरा पहला इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिस्टर वर्ल्ड वाइड सर पिटबुल के साथ 2019 में आएगा। मैं भूषण सर का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर यकीन किया। इस गाने का वीडियो मियामी अमेरिका में फिल्माया जाएगा। एकता कपूर जल्द ही एकता कपूर के बैनर तले बन रहे वेब शो के जरिए डिजिटल डेब्यू करेंगी। इस शो का टेंटेटिव टाइटल मेंटल हुड होगा और इसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। फिलहाल इस शो का प्री प्रोडक्शन वर्क चल रहा है। इस बारे में करिश्मा ने कुछ बात करने से इनकार कर दिया। वो कहती है अभी इस पर काम चल रहा है, इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बीते 14-15 नवंबर को रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने इटली में शादी की। शादी से पहले रणवीर ने अपकमिंग फिल्म सिम्बा की शूटिंग पूरी कर ली थी। अब इटली से लौटने के बाद वो फिर से काम में जुट गए हैं। मेकर्स जल्द से जल्द इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पूरा करना चाहते हैं ताकि फिल्म को सही समय पर रिलीज कर सकें। मुंबई पहुंचे ही रणवीर ने सिम्बा की डबिंग शुरू कर दी है। 1 दिसंबर को दीप वीर मुंबई में सेलिब्रिटीज को रिसेप्शन देंगे, जिसके 2 दिन बाद 3 दिसंबर को सिम्बा का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। इसके बाद रणवीर फिल्म प्रमोशन में जुट जाएंगे। दूसरी तरफ दीपिका मार्च 2019 में एसिड अटैक सर्वाइवर की लक्ष्मी की बायोपिक पर काम शुरू करेंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस।